तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं एक फैन, टेबल फैन, जिसे आप गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक 6 वाट की बैटरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो बैटरी के बाद हमें एक विंग चाहिए और एक बॉक्स चाहिए। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, हमने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का बॉक्स लिया है। और एक फेविक्विक चाहिए और 2 नट चाहिए और 2 स्क्रूज चाहिए और 1 स्विच चाहिए और मोटर चाहिए, पीवीसी पाइप चाहिए और कॉपर वायर चाहिए वायरिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए और उसमें एक सर्किल सा छेद कर लेना है, और एक स्विच के लिए भी एक छेद करना है, और नीचे की तरफ 2 होल कर लेना है जिससे हम अपने फैन को चार्ज कर सकें उस कन्वर्टर से जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लें। और उसके बाद हमें उस 6 वाट की बैटरी को इस बॉक्स के अंदर लगाना है। तो चलिए हम उस 6 वाट की बैटरी को इस बॉक्स के अंदर डाल के और इसकी वायरिंग कर देते हैं। तो हम आपको इसकी वायरिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्क्रू लेना है और इसे इस बैटरी में लगा देना है ताकि इस स्क्रू के से हम अपने फैन को चार्ज कर सकें उसी कन्वर्टर से। तो कुछ इस तरह आपको इसे लगा लेना है और अब इस होल के ज़रिए इसे बाहर निकाल के इसे कस देना है। दोनों को कस के आपको फिर दोस्तों हम इन दोनों स्क्रूज को टाइट कर चुके हैं और अब हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है, आप तुरंत समझ जाइएगा हम यहाँ किस लिए हैं। हमारा काम है समझाना और आपका काम है इसे घर पे बनाना। तो फिर चलिए, तो आपको कुछ इस तरीके का एक पीवीसी पाइप लेना है और इसमें थोड़ा सा पीवीसी पाइप काट के इस तरीके से दोनों तरफ लगा के और ऊपर में इस तरह कुछ इस डब्बे में जो सर्किल होल किया था हमने इसके अंदर डाल के इसे फेविक्विक से चिपका लेना है। तो हम इसे चिपका के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम इसे फिक्स कर चुके हैं अच्छी तरीके से और फेविक्विक भी सूख चुका है। तो उसके बाद हमें ये करना है, जो मोटर वाला पाइप हमने लिया था उसका वायर नीचे की तरफ पास करवा देना है। तो चलिए इस डब्बे को खोल के हम इसे पास करवा लेते हैं। तो हम आपको इसे पास करके दिखाते हैं। दोस्तों हम इसे पास करवा चुके हैं और अब हमें उस स्क्रू से इस मोटर को यहाँ पर टाइट कर लेना है। तो चलिए इसे टाइट करते हैं फिर। तो आपको कुछ इस तरह इसमें होल कर लेना है और इस तरह इसमें भी होल कर लेना है ताकि आप इसे स्क्रू से टाइट कर सकें। तो कुछ इस तरह आप इसमें स्क्रू दोनों तरफ से घुसा के इसे टाइट कर सकते हैं। इसकी नॉलेज तो आपको होगी, तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो हम इसे फिर टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हम इसे फिक्स कर चुके हैं, हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और आप चाहे तो इसे नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो अब इसमें फैन लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसका फैन का स्क्रू
ज़्यादा स्पीड घूम रहा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और चलिए अब